एमएलसी चुनाव के लिए जो व्यवस्था है वो तो कम लोगों का वोट होता है ना, यहाँ 499 लोगों का वोट है, तो क्या ठीक है, सब लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, पुलिस का जितनी व्यवस्था होनी चाहिए उससे ज़्यादा ही है। क्षेत्र के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को क्या संदेश देना चाहेंगे इसमें? क्षेत्र के नवनिर्वाचित जो जनप्रतिनिधि हैं, जो इसके वोटर हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आप निष्पक्ष और आप दिल में जो है कि जो लगे कि आपके हक के लिए लड़ाई लड़ सकता है उसके पक्ष में आप मतदान कीजिए। और आज बहुत क्रूशियल स्टेज में चुनाव हो रहा है, डेमोक्रेसी आज खतरे में, विधानसभा में विधायक पिटाए जा रहे हैं, विधान परिषद में जो दल की नेत्री उसके ऊपर हमला हो रहा है, तो इसीलिए निष्पक्ष एकदम बिल्कुल वोट और आपकी आवाज़ जो उठा सकता है विधानसभा में उनको वोट दें। जिले में एमएलसी चुनाव का आज वोटिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और हम यहाँ विभूतिपुर प्रखंड कार्यालय पर खड़े हैं, जहाँ विभूतिपुर के विधायक कॉमरेड अजय कुमार ने मतदान कर वो निकल गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रखंड कार्यालय पर सुरक्षा की बात करें तो काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था पुलिस की चाक चौबंद बनाई गई है। यहाँ 492 वोटर हैं, टोटल 5,569 वोटर जिले में हैं और यहाँ पे तैयारी जो है वो साफ तौर पर देख सकते हैं। हमारे साथ थाना अध्यक्ष चंद्रकांत गौरी हैं। जी बताइए सर, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की गई है वोटिंग को लेकर? चाक चौबंद व्यवस्था है। कितने पुलिस बल को यहाँ तैनात किया गया है? काफ़ी संख्या में पुलिस बल है। वोटर आना शुरू हो गया? वोटर आना शुरू हो चुके हैं। तो बिल्कुल काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था है और वोटर भी यहाँ इक्का दुक्का आना शुरू हो गए हैं, अपना मतदान का प्रयोग कर वो निकल रहे हैं। हमारे साथ कुछ देर पहले विभूतिपुर के विधायक अजय कुमार वोट डाल के निकले हैं और यहाँ अभी सुबह सुबह का टाइम है और 492 वोटर यहाँ इस बूथ पे हैं, मतदान केंद्र पे हैं, विभूतिपुर प्रखंड कार्यालय पे, और धीरे धीरे सभी लोग अपने मत का प्रयोग करने यहाँ पहुँच रहे हैं। संजीव तरुण, समस्तीपुर टाउन।